हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकिताज किचन रेसिपी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा नाश्ता जो घर में ही अवेलेबल सामान से आप बना सकते हैं। अब आपकी सुबह के नाश्ते की टेंशन खत्म। रात में भिगोइए मिक्स दाल, जो भी दालें आपके घर हैं, चार पांच दालें, थोड़े से चावल मिला के आप भिगो कर रख दिए, और ओवरनाइट सोक्स दालों से हम सुबह बच्चों को बहुत ही हेल्दी नाश्ता दे सकते हैं। ये हमारा मिक्स दाल डोसा। तो कैसे बनाते हैं, आइए हम देखते हैं ये मिक्स दाल डोसा। रात को मैंने ये सब भिगो कर रख दी थी दालें, मूंग दाल, मसूर दाल लाल वाली और अरहर दाल, जो भी दालें हैं ना सारी इसमें हमने इस तरीके से भिगो कर रखी हैं, और थोड़ा सा इसमें चावल भी मिक्स किया हुआ है। अच्छे से ये सोक्ड हो गई हैं, अब इनको कर लेते हैं ग्राइंड। यकीन मानिए, जो हम नॉर्मल डोसा बनाते हैं ना उससे इसका टेस्ट तो अच्छा होता ही, और साथ ही साथ ये हेल्दी भी काफ़ी रहती है, क्योंकि इसमें दालों की मात्रा बहुत अच्छे से डली हुई है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो जल्दी इस दाल के पेस्ट को हम बना लेंगे। सारी दाल चावल का जो हमने फुला कर रखा था पेस्ट बना लिया है ग्राइंडर में डाल के। अच्छा सा फाइन पेस्ट बनाएंगे इसका। एकदम से महीन सा नहीं बनाया मैंने, दरदरा सा बनाया, बहुत ही क्रिस्पी सा टेस्टी सा बनकर तैयार होता है इसको। अब इसमें जो टेस्ट इन्हेंस करेगा वो है हमारा करी पत्ता। करी पत्ता ज़रूर से डाल दें, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, काफ़ी हेल्दी भी रहता है और टेस्ट तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। और इसमें हल्का सा डालेंगे नमक, और इसको अच्छे से थोड़ा बहुत मसाले भी हम इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो इसके टेस्ट को दोगुना कर देगा। क्रिस्पी डोसा बनाने के पहले हमें ये सामान डालना बिल्कुल से मत भूलें। अब लास्ट में हमने इसमें डाल दिया आधा चम्मच इनो। इनो डाल के ये एकदम जल्दी से फर्मेंट हो जाता है, इंस्टेंट बन जाता है, वरना हमें सुबह से शाम इसको पीस के रखना पड़ेगा। तो इनो डाल के अच्छे से इसको कर लिया हमने फर्मेंट, एक ही साइड इसको घुमाया है। अब बैटर को हम तवे पर इस तरीके से फैलाते जाएंगे दोस्तों, और बढ़िया बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी डोसे बनाते जाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी लाइनिंग आ रही है, बड़ा सा डोसा अच्छे से आप फैला सकते हैं पूरे तवे पर, बहुत अच्छा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। आप इसको फिलिंग के साथ भी, आलू की फिलिंग के साथ भी बना सकते हैं और अकेले भी बना सकते हैं। ऊपर की लेयर हो गई है ये ड्राई, अब इस पर थोड़ा सा ऊपर से घी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से गोल्डन क्रिस्प होने तक सिक जाए। दोस्तों, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए रेड बटन पर क्लिक करिए, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाली ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें, और वीडियो लाइक करना बिल्कुल से मत भूलिएगा। अब ये डोसा की लेयर जब अंदर से हमें ये ब्राउन ब्राउन दिखने लगे ना, समझिए हमारा डोसा सिक गया है। बस आलू की फिलिंग लगा के इस तरीके से हम इसको सर्व कर देंगे। और आप बिना आलू की फिलिंग के भी, क्योंकि इसमें नमक है और अदरक लहसुन पेस्ट डाला हुआ है, हरे धनिया की चटनी के साथ बच्चों के लंच में ऐसे भी रख सकते हैं, इंजॉय करेंगे आपके बच्चे।